गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह की शुरुआत करते हैं पानी पी के। दोस्तों सुबह का बज रहा है 6 और हम निकल रहे हैं अब घर से, और अब चलते हैं पार्क पे और उसके बाद कर लेते हैं अपना मॉर्निंग वॉक। पर बनी हुई है एक बांबी, जो कि कहते हैं चींटियां बनाती हैं। चींटियां कहते हैं मिट्टी ला ला के इस बांबी को बनाती हैं। उसके बाद नॉर्मली ये बांबियों में सांप रहते हैं और चींटियां भी रहती हैं। हमने कहा आपको बांबी के बारे में बता देते हैं, तो चलिए आगे अपनी वॉक कर लेते हैं पूरी। दोस्तों थोड़ी फास्ट वॉक कर लेते हैं ताकि कहते हैं हमारे बॉडी से ज़्यादा से ज़्यादा स्वेट निकल जाए और उससे बॉडी की इम्प्योरिटीज़ भी निकल जाए बाहर। दोस्तों यहाँ पर लग रहा था जैसे पेड़ पे सांप लटका हुआ है, तो मैं उसके पास गया और वहाँ पर देखा कि सांप नहीं, वो तो एक डाल है पेड़ की जो कि एकदम सांप की तरह लग रही है। दोस्तों हम अभी जा रहे हैं जंगलों के रास्ते में, पार्क के अंदर ऐसा भी रास्ता है। रंजीव भाई जल्दी आओ, बहुत धीरे आ रहे हो आप। कल यहाँ कर रहे हैं मेडिटेशन। रास्ता मुश्किलों भरा है दोस्तों, पर हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या कहना है रंजीव भाई आपका इस रास्ते के लिए? मेरा थोड़ी सी भली नहीं है, लेकिन आगे अभी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन आगे फिर से सही रास्ता है। चलो हम आगे जाते हैं फिर, रंजीव भाई का सहारा है तो हम आगे चले ही जाएंगे आगे, क्योंकि कुछ लोग भी जा रहे हैं तो हम लोग इधर आ गए। पहले हमने कहा इधर का भी एरिया एक्सप्लोर करते हैं। लास्ट टाइम यहाँ आए थे तो हम खाली एक्सरसाइज करके, मॉर्निंग वॉक करके एक्सरसाइज करके निकल गए थे। देखिए यहाँ रोड धस रही है जगह जगह। ये देखो आंटी जी आ गई। हेलो आंटी। तो आज कुछ एडवेंचर हो गया हमारे साथ पार्क में, तो हम यहाँ पर आ गए। और उस दिन लास्ट टाइम वाले वीडियो में एक्सरसाइज कर रही थी आंटी, साइकिलिंग कर रही थी, तो उनका वीडियो लिया था हमने, तो आंटी अभी मिल गई हमें। तो कभी कभी मुश्किलों वाले रास्ते में चलना चाहिए जिससे कि हम अपनी कैपेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर पाएँ, तो इसीलिए हम इस रोड पर चल रहे हैं, आए हैं। अभी तक ट्रेन रोड पर चल रहे थे, अभी हमने कहा जंगल के बीच से भी चल के देखते हैं, मॉर्निंग वॉक करेंगे तो थोड़ा मज़ा आएगा जंगलों के बीच मॉर्निंग वॉक करने। तो आगे दिखने लगी है रोड, तो आइए चलिए मेन रोड, वही रोड चलते हैं, सीमेंट वाली जो रोड है जिसे अभी हम आए थे और बीच में जंगल वाला एरिया था, तो हम पहुंच गए हैं। बधाइयाँ हमें, पूरा जंगल पार कर लिया हमने, और रंजीव भाई की मदद के बिना ये नहीं हो सकता था। बहुत ही प्यारा है, यहाँ पर स्मेल भी नहीं है उतनी जितनी मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी। कॉर्नर्स में थोड़ी स्मेल है, मगर यहाँ पर बिल्कुल भी स्मेल नहीं है, हम आराम से खड़े हो सकते हैं। आइए देखते हैं पास में। उतनी सफाई नहीं है यहाँ पे, मगर फिर भी कहते हैं क्लीन है। आगे देखोगे आप तो क्लीन है पूरा, और
यहाँ पर आप देख सकते हो बॉटल्स पड़ी हैं, तो ये बॉटल्स जो हैं हम जैसी पब्लिक करती है, तो प्लीज़ कोशिश करिए ऐसी जगहों पर ना बॉटल्स फेंकें ना प्लास्टिक आइटम्स फेंकें, जिससे कि कहते हैं हम प्रकृति को हेल्प कर पाएँ। अगर हम उसे कहते हैं हेल्प नहीं कर सकते तो हम उसे ख़राब भी ना करें, तो कोशिश करिए कि हम इस तरह का काम ना करें। ये प्लास्टिक बॉटल्स और पॉलिथीन्स ये सब कहते हैं तालाबों में ना फेंकें। तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों जो कच्चा रास्ता है वो वाले मेन गेट पे आ गया है, तो हम यहाँ से फिर एक राउंड लेंगे। तो दोस्तों हमने जो अभी राउंड पूरा किया वो कम से कम 2.5 to 3 kilometers है, तो 3 kilometers का वॉक कर चुके हैं और थोड़ा हमने रनिंग भी किया उसी में। अब आगे जा रहे हैं और एक राउंड और करेंगे, तो टोटल 6 kilometers हो जाएगा हमारा। तो आज से 1 kilometer मैंने बढ़ा लिया, कल तक 5 kilometers कर रहे थे और आज से करेंगे 6 kilometers, तो जैसे कि हम देखिए। वैसे भी जो हमारा ये चैलेंज है ये फैट कटिंग के लिए है, तो वेट ऊपर नीचे भी हुआ तो चलता है बट फैट कटना चाहिए, तो हम वही ट्राई कर रहे हैं अभी अपनी तरफ से और जल्दी ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये देखिए मॉर्निंग वॉक करते डॉगीज़, ये भी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। अलग अलग रखा है भाई ने। नारियल पानी ले लिया है, अभी थोड़ी देर में पी लेंगे 10:30 बजे नारियल पानी। दोस्तों मॉर्निंग वॉक कर ली है, आप कह रहे थे यहाँ पर आए हैं हनुमान मंदिर, आज मंगल का दिन है तो आइए हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं। ले लिया है दूध और कर्ड और अभी बना लेंगे ओट्स। और ये शॉप यहीं पर है अपना 5th cross के पास अतुल लेआउट में, जहाँ की कहते हैं आपको डेयरी का सारा सामान मिल जाता है। अब चलते हैं और कहते बाकी की एक्टिविटीज़ करते हैं घर चल के। थोड़ी चिया सीड्स सबसे पहले। दोस्तों खा ले रहे हैं ओट्स। तो दोस्तों ये है हमारे आज के दिन का लंच, जिसमें की है एक कर्ड, उसके अलावा है दाल, थोड़ा राइस और उसके अलावा है कुकम्बर। चलिए दोस्तों कर लेते हैं लंच, फिर उसके बाद ऑफिस का काम कर लेंगे, आज वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं तो फिर फटाफट कहते हैं लंच कर लेते हैं। दोस्तों शाम हो गई है, अब कहते हैं थोड़ा सा जूस पी लिया जाए, तो जूस पीने जा रहे हैं एक दुकान पर, आज जैसे कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो अभी चल के जूस पी लेते हैं। रंजीव भाई भी एक ग्लास जूस पीने के लिए तैयार हैं हमारे साथ, हैवी वाला। दोस्तों शाम के टाइम अब थोड़ा सा जूस पी लेते हैं। नमक डाल दिया ठीक है। दोस्तों जूस पी लिया है, अब निकलते हैं घर और बाकी का काम कर लेते हैं ऑफिस का, उसके बाद फिर शाम को कहते हैं अभी खाने का टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में। दोस्तों आज है हमारे खाने में पनीर और उसके अलावा है सलाद में
कुकम्बर। तो चलिए फटाफट खा लेते हैं और आज का डिनर करते हैं अपना पूरा। दोस्तों पनीर खा लेते हैं और आज का डिनर हो जाएगा हमारा पूरा। उसके एक घंटे के गैप में हम कहते हैं दूध पी लेंगे और आज का अपना टास्क करेंगे पूरा, जो कि है 19th डे। तो दोस्तों दूध पी के करते हैं आज का टास्क पूरा।